नमस्कार। आज मैं आप सबको एक कहानी सुना रहा हूँ कि संघर्ष बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान अपने खेत में जाता था और खेती करके अपना जीवन यापन करता था, और जब मेहनत करके वो घर आता था तो यही सोचता था कि हे ईश्वर, हमारे खेती में खूब अन्न पैदा करना। लेकिन नतीजा क्या होता था, खूब मेहनत करने के बाद भी खेती उसका नुकसान में हो जाता था। एक बार वो आराम से घर में बैठ गया और ईश्वर को याद करने लगा। ईश्वर ने बोला कि भाई क्यों याद कर रहे हो? किसान ने बोला कि साहब, आप तो भगवान हैं, आप तो सब जानते ही हैं। तो ईश्वर ने बोला कि क्या है बताओ? तो साहब, मैं तो काम करता हूँ, दिनों रात पसीना बहा लेता हूँ, लेकिन हमारे खेत में अनाज नहीं पैदा होते हैं, बहुत कम अनाज पैदा होता है। अगर आपके जगह पर मैं होता तो बहुत ही अच्छा खेती होता, बहुत ज़्यादा अन्न पैदा होता। ईश्वर ये सुन लिया और उन्होंने निर्णय लिया कि चलो ठीक है, मैं एक शक्ति तुम्हें दे देता हूँ और तुम अपने हिसाब से खेती करो, तुम्हारे पास वो शक्ति रहेगी और खूब अच्छा से अनाज पैदा करो, कोई रोक टोक तुमको नहीं है। किसान बड़ा खुश हो गया और फिर सुबह हल अपने कंधे पर रखा, खेत में निकल गया, खूब अच्छे से जोता होता और आराम से पानी वानी का व्यवस्था कराया, धूप का व्यवस्था कराया, हवा का व्यवस्था करावा, जैसे जैसे अकॉर्डिंग उसके फसल की ज़रूरत हुई वो ऐसे वैसे पानी दे दिया, खाद दे दिया, हवा दे दिया, धूप दे दिया और फसल एकदम तैयार हो गई। अब देखिए परिणाम क्या हुआ, फसल बनकर तैयार हो गई, बहुत अच्छी खेती हुई। किसान बड़ा खुश हो गया कि अरे अब क्या करें, बहुत अच्छा खेती हो गया, घर में उसके खुशहाली आ गई। अब गेहूँ पक गए। अब गेहूँ पकने के बाद किसान खेत में गया और जब उसकी नज़र बाली पर गया, अनाज के दाने पर गया, तो अनाज उस बाली में नहीं था, अनाज सारे मर गए थे, छोटे छोटे अंकुर होकर वो सड़ गए थे। इसको समझते देर न लगी, ईश्वर ने फिर शिकायत किया कि हे ईश्वर, मैंने तो बहुत अच्छा धूप दे दिया था, पानी दे दिया था, बाढ़ दे दिया था, हवा दे दिया था, खाद दे दिया था, सब कुछ मैंने व्यवस्था कर लिया था, लेकिन ये खेती नहीं हुई, क्या तमाशा है, हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हैं। तब ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ किसान, तुम अपने खेती के लिए खुद जिम्मेदार हो। किसान सर पे हाथ रखा और पूछ लिया, क्यों, हम अपने खेती के लिए क्यों जिम्मेदार हैं, सब कुछ तो मैंने दिया है। ईश्वर ने बोला, नहीं, जितना धूप चाहिए था तुमने अपने खेती को धूप दिया, जितना बाढ़ चाहिए था, पानी चाहिए था, उतना तुमने दिया, जो हवा चाहिए था उतने तुमने दिया, लेकिन फसल को संघर्ष करने से बचा लिया, तकलीफ़ नहीं दिया, इसलिए जब तकलीफ फसल को नहीं हुई तो दाने उसमें नहीं हुई, इसलिए वो दाने कमज़ोर हो गए। फिर तो जो संघर्ष नहीं करेगा, इस कहानी का सीधा मकसद है कि जो संघर्ष नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, और संघर्ष ही आगे बढ़ाएगा आपको।